तो भाई आज की वीडियो थोड़ी सी 18 प्लस शायद थोड़ी सी हो जाए क्यों, लेकिन बच्चे भी देख सकते हैं इस वीडियो को, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन आज स्पेशली स्कैम इब्लीस के कुछ सपोर्टर्स की पीठियां जो है लाल होने वाली हैं, क्योंकि आज हम उनकी लेंगे और बड़े बखूबी लेंगे, क्योंकि पठानों का नाश्ता जो है लड़का जिसका नाम है स्कैम इब्लीस, इसने क्रिकेट के ऊपर भी हमला किया है, बल्कि बोलूंगा क्रिकेट को बदनाम करने की कोशिश की। साला क्रिकेट का नाम इनके साथ जोड़कर काहे क्रिकेट की इतनी बदनामी करते हो, जरा इन लोगों ने क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किया है, और ये खिलवाड़ अभी से नहीं बहुत ज़्यादा पहले से ही हो रहा है, और मेरी ना जलती है, सीरियस बोलूंगा मैं बड़ा जेलस हूं इन लोगों से, मैं ओपनली बोलता हूं, हाँ जेलस हूं तो हूं, कहे कि इस जैसे लोग अगर क्रिकेट को भी बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो फिर लाना था ऐसे। अब मैं तुम लोगों को जरा टॉपिक के ऊपर आता हूं, मगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जो है वो जरूर दबाना। अब यहां पर यह है हमारे पठानों का नाश्ता स्कैम इब्लीस, जिसने बिल्कुल अजीब चौमूसी शक्ल बनाई हुई है, यानी कि ऐसे लड़कों को पठान सुबह सुबह अपने नाश्ते में ही लेते हैं, जब सुबह सुबह यानी कि निहार मुंह आप कह लो कि नाश्ता करने से पहले वाला जो नाश्ता यानी कि बिस्तर से उठो तो पठान के साथ एक और पठान उठा होता है, उसके लिए जो स्पेशली इस किस्म के लड़कों को लाया जाता है। ये हमारे स्कैम इब्लीस जो कि बहुत लंबे अरसे से यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं, और हर साल में कोई दो तीन वीडियोस इनके क्रिकेट से मुतालिक आ जाती हैं जो कि लोग बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। सीरियसली मुझे नहीं समझ आ रही कि 2022 में भी इस किस्म की क्रिकेट को कौन, इस किस्म की वीडियोस जो है वो कौन देखता है। अब यहां पर आप लोगों को बताता हूं, पहले स्कैम इब्लीस हैं कौन, शाम इद्रीस हैं कौन, देखो शाम इद्रीस कुछ लोग के लिए उनके सगे अब्बू हैं, यानी कि आप इस लड़के को देख रहे हो कि ये इसको अपने बिल्कुल अपना सगा अब्बू समझता है, और ये एक शामीर अब्बास कुछ नाम है इसका, पता नहीं क्या कोई अखरोट, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि कहाँ से आता है ये बंदा, यानी कि ये बंदा कब से यूट्यूब पर, मैं इसको सीरियसली जानता ही नहीं हूँ मैं। अब ये जो है इस स्कैम इब्लीस को अपना अबू समझता है, और स्कैम इब्लीस जो कि एक बहुत बड़े ब्लॉगर हैं, कनेडियन है, पाकिस्तानी है, समझ में नहीं आता अंग्रेज़ हैं, ससुर हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी है, का है कि यहाँ पर इनकी ज़बान अगर आप लोग देखोगे तो हे वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, आई एम शाम इद्रीस फ्रॉगी, मतलब इस किस्म की कुछ इसकी लैंग्वेज होती है जो कि ना उर्दू होती है, ना ही हिंदी होती है, और ना ही इंग्लिश होती है। प्रॉपर तरीके से मुझे ये समझ नहीं आती कि इस किस्म के बंदों को वीडियोज देखता कौन है, कहे यहाँ पर ब्लॉगिंग तो ये लोग करते हैं अपने ठीक ठाक से, लेकिन कुछ साल में दो तीन वीडियोस इनके क्रिकेट से मुतालिक आती है। एक और नई वीडियो जो है वो आजकल गर्दिश कर रही है, कोई घूमते घूमते मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम पे पता नहीं या यूट्यूब पे पता नहीं फेसबुक पे कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म पे मेरी गलती से इसके ऊपर निगाह पड़ गई, और जब निगाह पड़ी तो मैंने क्या देखा, ये है लानत है ऐसी वीडियो के ऊपर। कहा है कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक जो लड़का है वो एक लड़की के पास जाता है, और लड़की जो है वो एक हिंदुस्तानी होती है, और ये जो लौंडा है जो कि पठानों का नाश्ता है, ये जो है जाता है लड़की के पास और कहता है कि मैं तुम्हारे बॉलर को 5 छक्के मारूं। तो भाई तो खुद इतना बड़ा छक्का है, तुझे छक्के मारने की क्या जरूरत है, ये दे नहीं दे के पीछे से कोई छक्का तुझे मार के ना चला जाए, क्योंकि कहता है कि तुम मुझे, मैं तुम्हें रिंग पहनाऊंगा। लड़की कहती है कि ठीक है, अगर तुमने 5 छक्के एक ओवर में मार लिए तो तुम मेरी उंगली में जो है वो रिंग पहना सकते हो। अब यहाँ पर जो है एक बहुत ही कमाल हो गया, ये जो स्कैम इब्लीस साहब है इन्होंने कोई बैटिंग की, और क्या ज़बरदस्त बैटिंग की, यानी कि एक बॉलर, एक तो बॉलर का एक्शन ऐसा मतलब टेढ़ा मेढ़ा था, मेरा दिल चाह रहा था इसे चप्पल फेंक के मारूं, कहे कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह की बॉलिंग होने लग जाए तो मैं इस टाइम पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर बन जाऊँगा, चाहे बाबर आजम बोलो या कोहली बोलो, मैं इस ओवर में जो है कम से कम 6 छक्के लगा लूँगा, इसमें 5 छक्के लगाने की बात की है। अब ये स्कैम इब्लीस साहब जो है वो बैटिंग कर रहे होते हैं, और ये चोमू जैसा लड़का जो है ये बॉलिंग करने के लिए आता है, और ये जो हमारी मेंढक सॉरी फ्रॉगी जो होती हैं ये साइड में खड़ी होते हैं। देखो मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इज्जत उस वे में भी बहुत ज़्यादा करता हूँ, समझ रहे ना, काम बहुत आती है हमारे। खैर यहाँ पर जो फ्रॉगी जो हमारी मेंढक वाली आंटी हैं ये जो है आई यहाँ पर, इन्होंने जो है एक ज़बरदस्ती बोला कि ठीक है चुम ने 5 छक्के लगाए, चुम जो है मुझे अंगूठी पहना सकते हो, बट हमारे जो स्कैम इब्लीस आप कहते हैं नहीं, मोहब्बतें सबसे फैलाओ लेकिन जबरदस्ती किसी से ना करो। आई मीन व्हाट द, ये 2022 चल रहा है भाई, इस तरह की वीडियो ना 2013 या 2012 में जाके हम लोग देखा करते थे, और उस टाइम पे जो है इस किस्म की वीडियो शायद ही कुछ लग जाती थी, और ये वीडियो जो है वो बच्चों के लिए होती थी। और तुम्हारे चैनल पे साला 3 मिलियन सब्सक्राइबर तुम्हारे मेरे को हुए नहीं हुए, मुझे नहीं पता कितने सब्सक्राइबर्स हैं तुम्हारे एग्जैक्टली, मैं कोई सदियों पहले तुम्हारा चैनल देखा जब तुम्हारा डक्की भाई से जो है वो पंगा हुआ था। अब जो है तुम इस किस्म की जो चोमू जैसी हरकतें कर रहे हो, और या इस तरह की कोई घटिया किस्म की मतलब वीडियो बना रहे हो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है तुम एक क्रिकेट की वीडियो बनाते हो, और वो भी इतनी घटिया स्किल्स के साथ। सीरियस से बोलूँगा क्रिकेट का मैच होता है तो राउंड टू हेल वाले बनाते हैं यार, हम पाकिस्तान से फिर भी ऐसी ज़बरदस्त एडिटिंग करते हैं, ऐसी ज़बरदस्त वीडियोज़ बनाते हैं, देखने में मज़ा आता है, इस किस्म की वीडियो चाहिए होती है। और तुम ये जो चोमू सी शक्ल बना के साला, पहले तो तुम्हारे मुँह से रालें टपकने लगती हैं तुम जैसे लड़के के देख के, क्योंकि ना ही तुम्हारा शुमार मर्दों में होता है, ना ही तुम्हारा शुमार औरतों में होता है, पता नहीं है तुमने कौन सा तीसरी मखलूक बनी हुई हो तुम, तो यहाँ पर जो है अपनी पहले मखलूक को सीधा करो। प्लस इस किस्म की वीडियो हर साल ला के जो है तुम ये बात फैलाते हो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा प्यार होना चाहिए, तो भाई हमारे बीच में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्यार है, हम बता रहे हैं हमारे इसने ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर, क्योंकि मेरे कोई 14-15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो मतलब उसमें जो है आराम से मेरे कोई मतलब 10 मिलियन तो इंडिया से ही जो हैं वो दोस्त लोग होंगे,
झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, नीचे से यकीन नहीं है तो देख लो। अब यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है प्यार मिला हमें इस स्कैम इब्लिस की इस वीडियो बना के, मेरे दिल को तसल्ली हो गई क्योंकि पिछले दो दिन से मेरे अंदर एक कीड़ा चुल मचा रहा था कि भाई ये क्या कर रहे हैं क्रिकेट, भाई खिलवाड़ कर रहे हैं और इंडिया पाकिस्तान के बीच में मोहब्बत पैदा करने के लिए सिर्फ यही एक वे काफ़ी नहीं रह गया है। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं क्रिकेट से अपने यूट्यूब से मुतालिक जो कि वीडियोस बनाते हैं और प्यार मोहब्बत बांटा जाता है, लेकिन जितना घटिया और बचकाना तरीका इन लोग का है ना, ये जो स्कैम इब्लिस और मैडक फ्रॉगीबाजी जो है इनका जो घटिया तरीका है ना, इससे घटिया तरीका हमने आज तक नहीं देखा। अभी तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मिलते हैं फिर किसी के लिए, अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।